बता दें, विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उसके कई अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पत्रकार भी बताया जा रहा है। मंगलवार सुबह 3 बजे विजिलेंस ने साधु सिंह धर्मसोत को अमलो उनके घर से उठाया है। धर्मसोत पर पेड़ कटाई के बदले रिश्वत लेने के आरोप हैं। विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से पूर्व सिंह धर्मसोत और उनके साथियों को मोहाली की अदालत में पेश किया जाएगा। धर्मसोत कैप्टन अमरिंदर सिंह के CM रहते वन मंत्री थे। पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे संगत सिंह गिलजियां पर भी विजिलेंस ब्यूरो द्वारा वन विभाग भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। इसमें 6 अन्य के भी नाम शामिल है। CM भगवंत मान ने आरोपियों की गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि आज ही राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली के कुछ जंगलात अफसरों को रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ा था। उन्होंने पूछताछ में बताया कि धर्मसोत एक पेड़ काटे जाने के बाद 500 रुपये की रिश्वत लेते थे। इसके अलावा नए पेड़ लगाने के बदले भी रिश्वत ली जाती थी, जिसका हिस्सा सीधे तत्कालीन मंत्री धर्मसोत के पास भी जाता था। साधु सिंह धर्मसोत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में भी घिरे रहे हैं। उनके सामाजिक सुरक्षा मंत्री रहते आरोप लगे कि गलत तरीके से स्कॉलरशिप का पैसा प्राइवेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को दिया गया है। इसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ। इसके बावजूद तत्कालीन कैप्टन सरकार ने धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी थी। बता दें, विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उसके कई अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पत्रकार भी बताया जा रहा है। मंगलवार सुबह 3 बजे विजिलेंस ने साधु सिंह धर्मसोत को अमलो उनके घर से उठाया है। धर्मसोत पर पेड़ कटाई के बदले रिश्वत लेने के आरोप हैं। विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से पूर्व सिंह धर्मसोत और उनके साथियों को मोहाली की अदालत में पेश किया जाएगा। धर्मसोत कैप्टन अमरिंदर सिंह के CM रहते वन मंत्री थे। पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे संगत सिंह गिलजियां पर भी विजिलेंस ब्यूरो द्वारा वन विभाग भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। इसमें 6 अन्य के भी नाम शामिल है। CM भगवंत मान ने आरोपियों की गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि आज ही राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली के कुछ जंगलात अफसरों को रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ा था। उन्होंने पूछताछ में बताया कि धर्मसोत एक पेड़ काटे जाने के बाद 500 रुपये की रिश्वत लेते थे। इसके अलावा नए पेड़ लगाने के बदले भी रिश्वत ली जाती थी, जिसका हिस्सा सीधे तत्कालीन मंत्री धर्मसोत के पास भी जाता था। साधु सिंह धर्मसोत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में भी घिरे रहे हैं। उनके सामाजिक सुरक्षा मंत्री रहते आरोप लगे कि गलत तरीके से स्कॉलरशिप का पैसा प्राइवेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को दिया गया है। इसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ। इसके बावजूद तत्कालीन कैप्टन सरकार ने धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी थी।